मतलब बहुत जगह जाने का प्लान बन रहा है। एड्रेस लीक कर रहा हूँ मैं तो खुले आम इसका। यार बहुत लापरवाही कर रहा हूँ आजकल यार मैं। उस टाइम पे सौरभ जोशी के साथ गए थे हम लोग। नहीं यहाँ पे जो था ये कह रहे थे सस्ता लद्दाख आ गया, सस्ता लद्दाख। पता लगा यहाँ कोई बाघ वाघ बैठा है तो दर्दनाक। अरे भाई ये देखो पूरी ऊपर से पूरी रोड टूट रही है। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. बैंग हमारी गाड़ी बंदे पड़ गई यार। अब बंदे गाड़ी को पेट्रोल पंप पे ला रहे। चलो 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 चलो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो यार आज ना काफी ज्यादा जल्दीबाजी में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज है मेरा पेपर और मैं घर से व्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गया। सो फिलहाल अभी हमने गाड़ी है पेट्रोल तो बढ़ा लिया, अभी जल्दी से कॉलेज को चलते पेपर देने के लिए। और अभी इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है मैं क्या बताऊँ राहुल भाई। अभी ना दिन के 12:30 बज चुके हैं और अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपना पेपर देके। और पता है मैं सुबह कुछ व्लॉग कर ही नहीं पाया क्योंकि जैसे हम लोग जा रहे थे ना कॉलेज को तो बारिश हो गई इतनी तेज और वहाँ पहुँचने में भी हमको लेट हो गई और फोन तो सबमिट कराना पड़ता है दुकान में, तो व्लॉग व्लॉग कुछ बना नहीं पाए। और जैसे ही मेरा पेपर खत्म हुआ तो यार इतनी तेज बारिश थी ना, मतलब अभी तो मैं फिर अच्छे से सूख गया हूँ, पर यार वहाँ से आते समय ना इतनी बारिश हो गई थी कुछ व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, फोन में पूरा पानी पानी हो गया था। तो घर आके फोन को एकदम पूरा ड्रायर से सुखाया अच्छे से, तब जाके फोन से मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मतलब सुबह आज मतलब व्लॉग की स्टार्टिंग ही ऐसी खतरनाक वाली हो रखी ना। बट कोई नहीं यार अब हम लोग अच्छे से व्लॉग करेंगे। यार अब थोड़ा बाहर का माहौल चेक करते ना। ये देखो मतलब सुबह से बारिश होने में लगी तो, और अभी देखो पूरा मौसम एकदम साफ हो गया, धूप निकल रही है, बट उतना ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही क्योंकि ना इतने दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना हल्द्वानी में। पर अब देखो यार अभी धूप के आगे हड़ों में फिर भी उतनी धूप नहीं लग रही, मतलब सही लग रहा मौसम, ऐसा लग रहा है ठंड के दिन चल रहे हैं। सर अभी ना शाम के 4:30 तो बज चुके हैं और मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि बाहर मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया। पता है व्लॉग मेरा 2 दिन बाद आ रहा होगा, पर मैंने 3-4 दिन से व्लॉग नहीं बना रखा क्योंकि ऐसी पढ़ाई वढ़ाई का थोड़ा बहुत चल रहा है सीन और भी थोड़ा बहुत खामा है मेरा। तो फिलहाल अभी मेरे साथ आयुष कापड़ी चल रहा है, जो पिछले व्लॉग में आया था वही चल रहा है मेरे साथ, उसका कॉल आया था अभी तो वो भी फ्री है। मैं बोला कि चला चलते हैं घूमने, घूम के आए थोड़ा बहुत। आए तो जल्दी सब्जी बना रही है मम्मी, आज मेरा व्रत है ना सोमवार का तो जल्दी बना रहे सब्जी, कीर्तन करती ना फिर वहाँ छत में। मम्मी का व्रत है इसलिए सब्जी भी मम्मी आज काफी ज्यादा जल्दी बना रही है। ये बना रही मैं सोयाबीन की बड़ी की सब्जी और एक कद्दू की सब्जी, क्योंकि पापा घर में खाएंगी ना आज। होने का तो वैसा भी टाइट हो रहा है, जब सॉफ्ट सॉफ्ट आता तब अच्छा लगता खाने में, टेस्टी होती इसकी सब्जी। और ये पता है प्रोटीन का सोर्स भी होता है, इसको खाया करो। इसको न्यूट्री नगेट भी कहते हैं, इसको सोयाबीन की बड़ी भी। क्या क्या? न्यूट्री नगेट हाँ कहते हैं इसको, हमारी मौसी लोग कहते हैं न्यूट्री नगेट कहते हैं इसको, और हम कहते हैं सोयाबीन की बड़ी न्यूट्रीला, न्यूट्रीला भी कहते हैं। कच्चा खाने में थोड़ा अजीब होता है, पर चल रहा हूँ मैं रात को टाइम पर आ जाना मैंने कहा। तो चलो फिलहाल निकलते हैं आयुष के घर पे, मैंने उसको कॉल कर दिया, मैंने बोला भाई घर से निकल लो प्लीज जल्दी से रेडी होके आ जा। चलो फिलहाल निकलते हैं, बाय टफी। फिर थोड़ी सी धूप कम हो जाती ना अभी तब से हो जाता, बट कोई नहीं 5-5:30 अभी थोड़ी देर में बच जाएंगे, उसके बाद धूप थोड़ी कमी हो जाएगी। वैसे भी अभी धूप वो वाली नहीं हो रही जो चुभने वाली होती ना, वो वाली धूप नहीं हो रही, अभी सॉफ्ट धूप निकलती ना जो मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देती वाली धूप हो रही है अभी। तो पेपर जल्दी से खत्म होते हैं ना भयंकर, बाहर जाने का बड़ा प्लान बन रहा है मेरा, मतलब बहुत जगह जाने का प्लान बन रहा है। जब मुझे ना घर से निकले हुए ना अभी 1 मिनट ही हो रहा है, मतलब 1 मिनट भी नहीं हो रहा होगा यार, मतलब कुछ सेकंड्स हो रहे होंगे। और सामने पे देखो आयुष की कॉलोनी, पता है मतलब इसका घर मेरे घर से इतना पास है ना कि मतलब पूछो मत। मतलब ये नई रोड मिली मुझे, ये जो सामने वाली गली है ना यही गली आयुष की है और इससे सबसे लास्ट वाला घर आयुष का है। एड्रेस लिख कर रहा हूँ मैं तो, खुल लिया हम इसका। खोल सबसे गया नहीं। क्या सबसे गया नहीं? व्लॉग बनाने पिछली बार से ना तो मैंने बता, जब से लास्ट व्लॉग बना रखा ना तब से मैंने एक व्लॉग भी नहीं बनाया, तब से आज बना रहा हूँ मैं। बता कब बनाया था हमने वाला व्लॉग? 4-5 दिन पहले। वही 4-5 दिन से मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ, पर भयंकर जनता को लगेगा मैं दो दिन से व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन आज एक कल नहीं डाला था मैंने व्लॉग, एक आज नहीं डाला, इस व्लॉग को मैं कल डालूंगा ना। यार बहुत लापरवाही कर रहा हूँ आजकल यार मैं, थोड़े कॉलेज के पेपर भी चल रहे ना, पेपर खत्म हो जाएंगे तब सही हो जाएगा। आया जल्दी फिर जब हम फुटबॉल खेलते हैं। अरे भाई अबे अंदर ही आई, रुक जा एक और शॉट। तो चलो फिलहाल निकलते हैं, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। आज वैसे बारिश हुई है तो सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा बहुत डैम देख कर आते हैं कि डैम में पानी कितना है। पिछली बार डैम गए थे ना तो उस टाइम पे सौरभ जोशी के साथ गए थे हम लोग डैम पे, पता है जिसने नहीं देखा हुआ ना वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चेक कर लेना। उसमें क्या है कि हम सौरभ जोशी के साथ डैम में गए थे, मतलब हम कम से कम 1 घंटा थे ना उसके साथ, हम 1 घंटा थे, पता सौरभ के साथ 1 घंटा घूम रहे थे। यार आज मैं सोच रहा हूँ ना कोई नई जगह चलते, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यार रो रो एक चीज़ तो सभी दिखाते ना। अंकल यहाँ घूमने की जगह कहाँ है तगड़ी वाली एकदम घूमने की जगह? डैम जाने देते वहाँ? चलो भैया ये डैम बोल रहे हैं, देख रहा काबड़ी भाई मैंने भी डैम बोला क्योंकि हल्द्वानी में हमको पता है ना कोई जगह है ही नहीं अच्छी घूमने की, यही है बस डैम। यार आयुष आज पुलिस वाले नहीं लगे क्या बात? अरे लगे तो हैं, सामने देख सामने लगे,
बड़े चालान नहीं काटते। सो फिलहाल हमें ना नीचे को जाना है डैम के लिए, नीचे को चलते हैं। एक अंकल से पूछ लेते हैं यार, हमको ना डैम में जाना था, डैम में जा सकते हैं क्या? अभी नहीं जा सकते? नहीं, यहाँ पे जो था ये कह रहे थे मना है। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा और कहीं घूमने की जगह कहीं? यार इन अंकल से पूछा, ये तो कह रहा है कि डैम में जाना मना है, तो अब हम लोग डैम में जा नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग कहीं और चले जाएंगे। यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है यार, हम तो हाफ पहन के आ रखे ना, वहाँ नीचे पे तो उतना गर्मी, मतलब ऐसा नॉर्मल मौसम था नीचे के साइड पे, बट यार इधर साइड पे तो काफ़ी ठंडा हो रहा है यार। यहाँ पे हो रहा है भाई दाब दबा के चलान, इधर साइड पे ना चलान पता क्यों कट रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में इधर साइड पे था एक लड़की की लाश मिली है कह रहे हैं लोग। ये भी एक बिल्डिंग थी जो कि एक अच्छी खासी हुई करती थी, जो कि लोगों ने तोड़ दी इस बिल्डिंग को। देख टूट गई पूरी बिल्डिंग, देख पूरी टूट गई। देख वो, देख वो भी आगे वाली भी टूट गई सब। हम लोग थोड़ा और ऊपर को जाएंगे क्योंकि रॉक ऑन तो रोज ही बैठते हैं, क्या करना है, बैठेंगे मैगी खाएंगे बस। थोड़ा बहुत ऊपर जाते ना मजे करके आएंगे, थोड़ा बहुत नई नई चीज़ें देख के आएंगे और अच्छे से गले मिल लो। अब भाई चढ़ाई है बड़ी खतरनाक वाली, एकदम सीधी चढ़ाई है भाई। रोड देख रहे हो भयंकर, वीडियो में तो ऐसा लग नहीं रहा होगा ना, पर भयंकर रियल में ऐसी रोड ना, ऐसी पूरी सीधी रोड है। बट यार इधर साइड पे ना बाइक चला के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मतलब ऐसा फील मिलता है ना कि यार जो फील नॉर्मल रोड्स में नहीं मिलता। सस्ता लद्दाख आ गया, सस्ता लद्दाख सामने देख। अरे वाटरफॉल भी, ओ माय गॉड इतना प्यारा वाटरफॉल। ये रोड टूटी है शायद से, ऊपर से ना शायद से मेरे ख्याल से पानी वानी आया होगा या लैंडस्लाइड हुई है, बड़ा खतरनाक। अरे भाई रोड टूटी है भाई, पूरे लैंडस्लाइड हो रखा, देखो इस पूरी रोड टूटी है। तो कैसा आप वो चीज़ देख रहे हो ना, वो पूरी रोड टूट रखी है, मैं अच्छे से दिखाता हूँ एक बार गाड़ी खड़ी करके। कोई नहीं, चलो जाके देख लेते हैं एक बार। ओ ओ बस नीचे तक ना, नीचे तो नहीं जा पाऊंगा इसमें। अबे आयुष पता लगा यहाँ कोई बाघ बैठा है तो मेरी वैसी फट रही है भाई। भाई एक तो सुनसान जाके है ना तो डर भी लग रही बहुत ज़्यादा, पता लगा बाघ आ गया भाई। मैं तो बाघ हूँ नहीं जो इतने आसानी से चढ़ जाऊँ। चलो चलने आओ भाई, रास्ता बड़ा खतरनाक है यार, यहाँ पे कोई आएगा तो यार बड़ा देख के आना पड़ेगा उसको भी। सर फिलहाल अभी ना हम लोग एक जगह पे आ रखे हैं जहाँ पे पूरी रोड टूट रही है, पता है, मतलब एकदम खतरनाक ही रोड टूट रही है। देखो पूरी ऊपर से पूरी रोड टूट रही है, तो इसकी वजह से हम लोग पता ज्यादा ऊपर तक जा भी नहीं पा रहे हैं। मेरा गोप्रो काम करना ही बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया गोप्रो को। यहाँ पे तो रात के टाइम पे आ जाएगा, नहीं तो पागल है क्या? अबे मैं घर से बाहर निकलने लग जाती, इसको तो टॉयलेट जाने में इसको डर लग जाती। टॉयलेट भी जब जाता है ना अपने भाई को उठाता है, मम्मी को बोलता है मम्मी प्लीज चल दो। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बाहर वाले में चले जाता हूँ, अंदर वाले में जाओ। ऊपर वाला क्यों ऊपर आएंगे नहीं? अरे वो डर लगती है। क्यों? बहुत डर लगती है, एकदम प्लेन है ना गैलरी, एकदम ऐसे करके ऊपर को। अच्छा कहीं कहीं इसका हाथ पकड़ के कोई इसके साथ ही अंदर ना आ जाए ना, इसलिए ना। चलो भाई फाइनली हमारा गोप्रो सही हो गया, चल आ जाए, चल ले वापस नीचे को। मिस्टीरियस एक्टिविटीज हो रही ना हमारे साथ, को थोड़ा बहुत हो जाता है। अभी मेरा कैमरा भी पता नहीं क्या हो गया, फोन का कैमरा भी अभी ऑन करा अब ना फ्रीज हो गया फोन। ओए पीछे नहीं जा रही, चल क्यों नहीं रहा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अब तो आ गया ना। अबे ऐसा मत बोल यार, सनरूफ से बाहर निकलना इलीगल है। जिसको नहीं पता है बताया था कि सनरूफ से जो कार में सनरूफ लगी होती ना, उस सनरूफ से बाहर निकलना जो कि है इलीगल है। अगर इनको सीपी वालों ने पुलिस वालों ने देख लिया ना पक्का चलान गाड़ी की, और आगे चेकिंग हो भी आई थिंक। अरे भाई कैसे देख रहा हूँ। अभी रात के ना 8:30 बज चुके हैं और अभी फिलहाल मैं इसको घर छोड़ दिया। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने घर पे। आज काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा एडवेंचर करा हमने, मतलब उतना भी नहीं करा पर हाँ नई जगह एक्सप्लोर करी। आप लोग बोलते हैं ना नई जगह जाओ नई जगह जाओ, तो आज हम जा गए थे ना, हम लोग पहले कभी नहीं गए थे, नई जगह ही थी वो। नई जगह थी गाइस, नई जगह थी, पर अगली बार और जगह जाएंगे तो मजा आएगा ना। पर अभी रात के टाइम पे देखो भयंकर ग्रेन्स आ रहे होंगे शायद से कैमरे में। चलो फिलहाल निकलते हैं हम लोग घर को। चल ठीक है भाई, मिलते हैं कल या परसों जब भी हो। सो हे गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे और अभी बज चुके मॉर्निंग के 9:30 और यार टफी इतना ज्यादा शोर कर रहा है, मुझे व्लॉग बनाने बहुत डर डिस्टर्ब करता है यार टफी, ये मुझे व्लॉग बनाने ही नहीं देता, मतलब चेक कुछ हो जाए। मतलब भाव भाव भाव, कल रात को जब मैं घर आया मैंने व्लॉग एंड करने का टाइम ही नहीं मिला। और यार आज सुबह सुबह ना मैंने पार्सल रिसीव किया मामाअर्थ की तरफ से, ये खाली पता है हम खाली इसका प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, ये स्पॉन्सर पता नहीं हमें कब देंगे, ना जाने हमारे पास कब आएगा स्पॉन्सर जब हम कहेंगे लगाइए मामाअर्थ। यार अगर मामाअर्थ वाले अगर देख रहे हो तो स्पॉन्सर दे दो यार प्लीज यार। फिलहाल यार मैंने तो व्लॉग की एडिटिंग भी नहीं कर रखी, अब जल्दी से व्लॉग की एडिटिंग करता हूं फिर अपलोड करता हूं व्लॉग को। सो फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को एंड करते हैं और एम करते हैं, मैंने एम का भी करा नहीं पता व्लॉग में, चलो एम करते हैं आज अपने व्लॉग में 100 लाइक्स का। ठीक है वैसे मेरे 100 हो जाते हैं हर वीडियो में, तो हम लोग कर देते हैं फिर भी 100 लाइक। चलो अगर ना आप लोगों ने इस वीडियो में ना 120 लाइक्स करा देना, मैं पता 2 तारीख को ना अपनी डेयर वाली वीडियो निकाल दूंगा अगर 120 लाइक्स इस वीडियो में करा दिए। तो अगर लाइक नहीं करा ना तो लाइक कर दो जल्दी। सो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।